डूफास्टन की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में डूफास्टन की हर जानकारी जैसे यूजेज, डोसेज, साइड इफ़ेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इत्यादि इत्यादि के बारे में चर्चा किया गया है। डूफास्टन एक ऐसी दवाई है जिसका उपयोग महिलाओं में अनेक बीमारियों में किया जाता है, इसलिए सही जानकारी के लिए इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखें। डूफास्टन डाइड्रोजेस्टेरोन का इंडिया में एकमात्र ब्रांड है जिसे एबट इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाती है। डाइड्रोजेस्टेरोन एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है। यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं में यदि सही मात्रा में न हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित कई समस्याएं आ जाती है, जैसे डिसमिनोरिया यानी पीड़ा युक्त मासिक धर्म, ओलिगोमिनोरिया दैट इज इरेगुलर पीरियड्स, मिनोरेजिया यानी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, सेकेंडरी एमिनोरिया अर्थात मासिक धर्म का बंद हो जाना, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इन सभी केसेस में डॉक्टर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन लाइक डूफास्टन दे सकते हैं, क्योंकि डूफास्टन हार्मोनल बैलेंस को रीस्टोर करने में मदद करता है, जिससे एक नियमित मासिक धर्म पुनः एस्टेब्लिश हो जाता है। डूफास्टन का उपयोग महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण होने वाले बीमारियों में भी किया जाता है, जैसे रिकरेंट मिसकैरेज ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन डिफिशियंसी। रिकरेंट मिसकैरेज का बहुत सारा कारण होता है। डॉक्टर पहले उस कारण को पता लगाते हैं। यदि वह कारण प्रोजेस्टेरोन डिफिशियंसी हो तो उस तरह के रिकरेंट मिसकैरेज में डॉक्टर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फॉर एग्जांपल टैबलेट डूफास्टन प्रेस्क्राइब करते हैं। दूसरा है थ्रेटेंडेड मिसकैरेज। इसमें प्रेग्नेंट महिला को एबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है, साथ ही साथ पेट में दर्द रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहता है। यह भी प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण हो सकता है, इसीलिए थ्रेटेंडेड मिसकैरेज में भी डॉक्टर डूफास्टन देते हैं। तीसरा है इनफर्टिलिटी यानी बांझपन। इनफर्टिलिटी के भी कई कारण होते हैं। यदि यह कारण ल्यूटियल डिफिशियंसी यानी प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण हो तो डॉक्टर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन जैसे टैबलेट डूफास्टन देते हैं। चौथा है इंडोमेट्रियोसिस। इसमें यूटेरस के बाहर इंडोमेट्रियल टिश्यू की वृद्धि हो जाती है। यह डूफास्टन यानी डाइड्रोजेस्टेरोन इस इंडोमेट्रियल टिश्यू के वृद्धि को रोकता है। डूफास्टन का उपयोग मेनोपॉज में HRT यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर भी किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि डूफास्टन को कब और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, अर्थात इनका करेक्ट डोज क्या है। इनका डोज है 10 मिलीग्राम OD या BD, साइक्लिकली या कंटिन्यूसली। इसे डॉक्टर बीमारी की स्थिति के आधार पर डिसाइड करते हैं। और अंत में जानते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। डूफास्टन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं नौसिया,
ब्लॉटिंग, ब्रेस्ट पेन, डिजीनेस, वेट गेन। थैंक यू फ्रेंड, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डूफास्टन यू कैन कमेंट इट।